हम आपको खाद्य तेलों में गिरावट से सस्ते होने वाले खाद्य तेलों की खुशखबरी देते उससे पहले ही केंद्र सरकार ने आपकी ये खुशखबरी छीन ली और उन्होंने आपके गैस के दामों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी। 50 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 1053 रुपए की कीमत पर मिलेगा। वहीं 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। हाँ, व्यावसायिक सिलेंडर में जरूर 8.5 रुपए के करीब की कमी की गई है, लेकिन ये भाव में बढ़ोतरी उस समय की गई जब अभी पिछले महीने ही गैस सिलेंडर के दाम में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई थी और उसके बाद गैस सिलेंडर के दाम 1000 के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आज की इस बढ़ोतरी के बाद अब गैस सिलेंडर के दाम 1000 के पार यानी 1053 रुपये प्रति सिलेंडर हो जाएंगे। अगर हम पिछले समय में नज़र डालते हैं तो 2013 में यही गैस का सिलेंडर 414 रुपये का आप ले पा रहे थे और उसके बाद 2014 में आई मोदी सरकार के बाद अब ये गैस सिलेंडर 1053 रुपये में मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इन 8 सालों का फासला अगर आप देखेंगे तो ये डबल से भी ज़्यादा है। अगर आप पैसे के डिवोल्यूशन की बात करें तो वो भी शायद इतना नहीं है जितना गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। हालांकि इसके पीछे केंद्र सरकार का तर्क हो सकता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद विश्वव्यापी जो तेजी आई है पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में और अरब देशों ने जिस तरह से इसके ऊपर एकाधिकार समझकर अब कच्चे तेल और कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी की है उसका असर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अब आपकी रसोई के ऊपर फिर एक बार हमला है गैस सिलेंडर के जरिए, जहां 1053 रुपये अब आपको देने होंगे। अगर हम बात करें 2013 की तो ये थे 414 रुपये प्रति सिलेंडर, तो 2021 माह अगस्त में इस सिलेंडर के भाव थे 779 रुपये। तब एक साल के अंदर यानी 2022 का साल पेट्रोलियम पदार्थों के दृष्टिकोण से उपभोक्ता की जेब पर सबसे भारी साबित हो रहा है और 2021 में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई गैस सिलेंडर के दाम में, जहां 800 के बाद 1053 रुपये के मूल्य पर पहुंच गया गैस सिलेंडर। बहरहाल इस गैस सिलेंडर के बढ़ोतरी के बाद होगा वही जो हमेशा होता आया, कुछ विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं होंगी, कहीं पर गैस चूल्हे की बजाय लकड़ियों का चूल्हा फूंका जाएगा, कुछ प्रतीकात्मक विरोध होगा और फिर आप को न्यायोचित ठहरा दिया जाएगा इस बढ़ोतरी को विश्वव्यापी चल रहे हालात को लेकर और आप भी स्वीकार कर लेंगे। ना पहले की तरह का रवैया, ना पहले जैसा विरोध, सब कुछ प्रतीकात्मक होगा और सरकार की शायद ये असंवेदनशीलता आर्थिक मोर्चे पर बढ़ती जाएगी तो आपकी सहन शक्ति भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ स्वीकार कर लिया जाता है और शायद यही वजह है कि अब सरकारें उतना नहीं सोचती। लेकिन यहाँ बात है कि जब खाद्य पदार्थों को या खाद्य तेलों के दामों में गिरावट का तोहफा सरकार देने की तैयारी करती है तो एक हाथ तोहफा देती है तो दूसरे हाथ से हमला कर उस तोहफे को वापस खींच लेती है। यहाँ हम बात करें कि लगातार खाद्य पदार्थों में सरकार राहत की बात कर रही है तो वहाँ पेट्रोलियम पदार्थों में दामों में इजाफा करके आम आदमी की कमर तोड़ने का काम भी हो रहा है। बहरहाल ये थे गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी, जो आपके लिए आप कितना सोचते हैं, कितना जायज़ है बताइए कमेंट बॉक्स में।